3.7 वोल्ट का रखा है मैंने 3.5, क्योंकि मुझे एम्पियर और ज़्यादा चाहिए, तो एम्पियर है मेरे पास 14। देखो क्या आ रही है, ग्राउंड आ रही है। क्यों ग्राउंड आ रही है? क्योंकि यही लाइन शॉर्ट है, बट बैटरी लाइन क्यों ग्राउंड आ रही है? हाँ, तो देखो इसमें VDD मेन अगर आपको देखना है तो यहाँ क्लिक मारेंगे तो VDD मेन बन जाएगी। हेलो दोस्तों, एक इनफो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, कुछ हमारे पास रिपेयरिंग से रिलेटेड सेट हैं, तो देखते हैं वन बाय वन इनमें क्या प्रॉब्लम है और किसी एक सेट को देखते हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये दो फ़ोन हैं जिसमें फेस आईडी वगैरह नहीं चल रहा है, ट्रूटोन नहीं आ रहा है, इसके बात करेंगे अभी। ये है हमारे पास जिसमें बेस बैंड नहीं आ रहा है, ये उसके बात करेंगे। और इसके बाद ये है हमारे पास एक और सेट जिसका अपर लोअर दोनों टेढ़े, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अभी हमारे पास दो 12 मिनी है, वन बाय वन चेक करते हैं और एक एक करके देखते हैं क्या हम इसे रिपेयर कर पाते हैं या नहीं। आवाज़ आ रही है भाई सबको? देखना जरा क्या प्रॉब्लम है, बताना मुझे क्या लग रही है। शॉर्ट है, VDD मेन शॉर्ट है। रीजन, वोल्टेज भी डाउन हो गया और एम्पियर भी अप हो गया है। तो पहले इसे ही कर लेते हैं, करने तो सारे ही हैं यार आज ही। भाई स्क्रू ड्राइवर है किसी के पास? खैर ये पैक ही ना है, रहने दो। अच्छा, इसमें दो तरह की शॉर्टिंग हो सकती है, कौन कौन सी? बेसिक भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। देख लेते हैं कौन सी वाली है। बेसिक का कैसे पता चलेगा भाई? कोई भी तीनों में से या दोनों में से लाइन शॉर्ट होगी, और अगर एक्टिव हुआ तो लाइन तो तीनों ठीक होंगी ना, फिर मल्टीमीटर पे जब चेक करेंगे तो। हम कोशिश करते हैं इसे बिना खोले रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करते हैं कि ये ऐसा हो जाता है या नहीं हो जाता है। जल्दी बताओ बैटरी लाइन क्या दिया दे रही है इसकी? इधर तो ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। रीजन, क्योंकि देखो VDD मेन और बैटरी लाइन इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें VDD मेन और बैटरी लाइन एक ही लाइन होती है। तो अगर VDD मेन शॉर्ट है तो बैटरी लाइन भी शॉर्ट है, VDD मेन लाइन अगर ओके है तो बैटरी लाइन भी ओके है। तो आपने करना क्या है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप। अभी हमारे हाथ में 12 मिनी, यहाँ पर देखो एक ये DZ दिख रहा होगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ। हाँ, तो देखो इसमें VDD मेन अगर आपको देखना है तो यहाँ क्लिक मारेंगे तो VDD मेन बन जाएगी। अभी यहाँ से अब इसकी बैटरी लाइन शॉर्ट आ रही है, बैटरी लाइन इसलिए शॉर्ट आ रही है क्योंकि इसकी VDD मेन भी शॉर्ट है। अब VDD मेन मुझे ऊपर चेक करनी है क्योंकि मुझे ना उसका कैन नहीं हटानी है। ये जगह दिख रही है आपको यहाँ पर? देखो यहाँ पर चेक कर सकता हूँ मैं कौन से डॉट है, ये पहले दो से दूसरा। अच्छा ठीक है, ये वाले देखो क्या आ रही है, ग्राउंड आ रही है। क्यों ग्राउंड आ रही है? क्योंकि यही लाइन शॉर्ट है, बट बैटरी लाइन क्यों ग्राउंड आ रही है जल्दी बताओ? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही लाइन है। अब आपको दो लाइनें अलग अलग रिपेयर नहीं करनी है, एक ही लाइन रिपेयर करनी है। जब एक लाइन रिपेयर करोगे तो दूसरी वाली अपने आप ठीक हो जाएगी। यानी इसमें सिमेट्रिक वाइज तीन दिखेंगे आपको, लेकिन अगर बोर्ड वाइज देखी जाए तो इसमें सिर्फ दो लाइनें, एक बैटरी लाइन जिसे आप VDD पढ़ सकते हो, एक आपकी VDD बूस्ट लाइन। कौन सी लाइन? तो इसमें से VDD मेन शॉर्ट है, VDD मेन शॉर्ट है तो बैटरी कनेक्टर पर भी अब मैं वोल्ट इंजेक्ट कर सकता हूँ। रीजन, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है। क्या करें, खोल लें या फिर शॉर्ट किलर मार के देख लें? शॉर्ट किलर से भी हो सकता है, तो लगाना प्यारे शॉर्ट किलर जरा। अच्छा, शॉर्टिंग कौन सी, बेसिक है वो एक्टिव वाली है? बेसिक है ना,
3.7 वोल्ट का रखा है मैंने 3.5, क्योंकि मुझे एम्पियर और ज्यादा चाहिए, तो एम्पियर है मेरे पास 14, 3.7 है मेरे पास, 13.7 सॉरी, आवाज सुनना, अगर आवाज आती रही तो इसका मतलब मुझे सैंडविच खोलना पड़ेगा, अगर आवाज आनी बंद हो गई इसका मतलब शॉर्टिंग हट गई। बंद हो गई, इसका मतलब शॉर्टिंग क्या हो गई है, हट गई होगी। ट्राई करें एक बार, देखते हैं क्या माइनर रह गई या बिल्कुल ही खत्म हो गई है। 0.5 मिलियन, तो अभी साइड भी ऑन होना चाहिए। स्क्रीन है हमारे पास, लगा के देख लेते हैं ये स्क्रीन सही भी है या नहीं। देखना भाई उधर 200 क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी 200 क्रॉस करेगा तो यहां पे स्क्रीन आएगी, अगर ये स्क्रीन सही होगी तो। आया 200, लॉन्ग प्रेस करते हैं, बता देना एक बार, मेरा हाथ लिया। देखो ऑन भी हो गया, बहुत सिंपल सी थ्योरी थी, कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, ना सेट खोला ना कुछ किया। इसका ना ALS का पत्ता लगा दूं यार, फिर वीडियो निकालेंगे उधर से। ये भी किसने क्या कर रखा है, पहले से फ्लैश मार रखा है भाई, यानी इसमें डाटा पहले ऑलरेडी पहले से भी नहीं था। हमने कोशिश की थी कि हम डाटा के साथ करें, तो अगर आपको भी इस तरह के वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर कमेंट डालें। और इतनी आसानी है एप्पल की रिपेयरिंग, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप चाहें तो एक डेमो ज़रूर अपना प्लान करें आगे के लिए, अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि एक इन्फो से कोई कोर्स करना है तो। थैंक यू।